पुरुषों की ये पांच गंदी आदतों से लिंग सिकुड़ जाता है, ना करे यह गलतियां, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काफ़ी लोग फ़ोन कॉल करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन चल रहता है कांटेक्ट करना लोगों का, कि हमारा लिंक सिकुड़ गया, लिंक छोटा हो गया। मैं उनको बोलता हूँ कि भाई अच्छा, लिंक सिकुड़ गया, ठीक है, आपको बच्चे ही क्या? बोले हाँ बच्चे तो है। इसका मतलब लिंक तो बराबर था, नहीं तो बच्चे कैसे होते थे? क्योंकि छोटा जी लिंक रहा तो बच्चे होंगे नहीं। बोले हाँ, फिर अभी क्या हो गया? तो कुछ तो भी तो हुआ कि जिसके वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि लिंक अपना सिकुड़ गया है, यह लिंग छोटा हो गया। तो ऐसे कौन से कारण रहते हैं हम देखेंगे कि जिसकी वजह से लिंग सिकुड़ जा सकता है। तो नंबर एक का कारण जो है वो है बैड ओरल हेल्थ, खराब मुंह। ये जो मसूड़े है इसका इन्फेक्शन, मसूड़ों की बीमारी, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है तो वो पूरे शरीर में घूमता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और वो लिंग के ऊपर उसका बुरा असर होता है। तो एक कारण हो सकता है खराब मसूड़े, इन्फेक्टेड मसूड़े। नंबर दो का कारण जो है लिंग सिकुड़ने का वो है कि व्यायाम ना करना, बिल्कुल ही बॉडी को एक्सरसाइज नहीं करना, बॉडी को स्ट्रेचिंग नहीं करना, कोई तकलीफ देना नहीं बॉडी को, बस बैठे बैठे काम करना और वजन बढ़ाते जाना। तो जब आप बैठे काम करते हो, बैठक का काम है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है, तो फैट बढ़ते रहता है, और जब फैट बढ़ते रहता है तो लिंग के ऊपर का यदि फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो नेचुरली ऐसा लगता है कि लिंग अंदर चले गए, क्योंकि फैट ही इतना बड़ा हुआ है, तो उसके कारण फिर लिंग सिकुड़ गया ऐसा लगता है। एक्चुअली वो फैट में दब जाता है। तो वजन या मोटापा होना और इसका कारण है व्यायाम ना करना, ये दूसरा कारण है व्यायाम ना करना। ये गंदी आदत है, यदि आप व्यायाम करते नहीं है तो उसका असर हार्ट पे भी होता है, और हार्ट पे असर होता है तो उसका असर लिंग के ऊपर भी होता है। कैसा? बाय एथेरोस्क्लेरोसिस। तीसरा जो है वो है फल या सब्जियां नहीं खाना। देखो, हमारा बैलेंस डाइट होना चाहिए, और उसमें फल बहुत ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए, सब्जियाँ सलाद के रूप में बहुत ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। हम रोटी सब्जी नहीं खाना है, सब्जी रोटी खाना है, मतलब आलू पोहा या आलू प्याज पोहा या ऐसा न खाते हुए वेजिटेबल पोहा खाना है, मतलब वेजिटेबल बहुत ज़्यादा है और पोहा थोड़ा सा है। तो सब्जियाँ ज़्यादा, फ्रूट्स ज़्यादा आप खाते हैं तो उससे बहुत हालत अच्छी रहती है। स्पेशली आप तरबूज लेते हैं, और तरबूज में क्या होता है कि अर्जिनिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, भरपूर मात्रा में होता है, और इससे लिंग का इरेक्शंस दिन भर में बीच बीच में आना होते रहता है, और इससे लगता है कि लिंग बराबर है, ठीक चल रहा है सब कुछ, ऐसा उसका एक फीलिंग आ जाता है। नंबर चार जो है वो है जंक फूड खाना। जंक फूड खाने से एथेरोस्क्लेरोसिस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो खून की नलियाँ जो है ब्लड वेसल्स उसके अंदर का अस्तर जो है वो मोटा हो जाता है, और उससे फिर ब्लड फ्लो जो है लिंग का वो कम हो जाता है, और इससे लिंग सिकुड़ जाता है। तो इसमें कुकीज़ लेना, केक खाना, चॉकलेट बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना, पिज़्ज़ा है, फिर चिप्स है, तला हुआ भोजन है, बर्गर खाना है, मतलब ये जो खाना जो है ये बिल्कुल ही अनहेल्दी है, इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है, ये भी नहीं खाने को होना, ये जो आदत है वो भी हमने छोड़ने को होना। पाँचवा जो कारण है वो है धूम्रपान, सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट का जो निकोटीन है, अब वो तंबाकू भी इसमें आ गया, तंबाकू खाते हैं तो कैंसर का भी मात्रा मतलब ज़्यादा हो सकती है इंसिडेंस, और तंबाकू से या सिगरेट से फेफड़े जो है वो ख़राब हो जाते हैं, और स्मोकिंग से एथेरोस्क्लेरोसिस का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे फिर लिंग सिकुड़ने के चांसेस होते हैं। तो धूम्रपान ना करना, ये गंदी आदत है, धूम्रपान नहीं करना, धूम्रपान करते तो छोड़ना पड़ेगा, और तंबाकू भी नहीं खाना है। तो ये पाँच गंदी आदत है। नंबर एक खराब ओरल हेल्थ, नंबर दो व्यायाम न करना और वजन बढ़ाते जाना, नंबर तीन बैलेंस डाइट न खाते हुए फल सब्जियां नहीं खाना, नंबर चार बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना, और नंबर पाँच धूम्रपान करना और तंबाकू खाना। इससे आप दूर रहते, ये
आदतों से, तो डेफिनेटली आपके लिंक के ऊपर कुछ भी बुरा असर नहीं होगा और आपको लगेगा भी नहीं कि अपना लिंक सिकुड़ रहा है करके। अब इसमें यह भी होता है कि कभी कभी लिंक बराबर रहता है, लोगों को लगता है कि सिकुड़ गया। क्यों? क्योंकि नॉर्मल इरेक्शंस जो आते हैं दिन भर में, दिन भर में जैसे यंग लड़का यदि है और वो 18 साल से 30 साल तक का है, तो 18 से 30 साल की उम्र में नॉर्मल इरेक्शन दिन भर में आते रहते। कोई किसी को देख लिया, कोई धक्का लग गया, कोई टच कर दिया, विचार आ गए, पिक्चर देख लिया कुछ तभी, तो नेचुरली ब्लड फ्लो बढ़ते रहता है और इरेक्शंस आते रहते। अब क्या होता है कि जैसे उम्र बढ़ जाती है वैसे नेचुरल इरेक्शंस जो है, स्पॉन्टेनियस नॉर्मल इरेक्शंस वो होते नहीं है, और समझो वो हो भी गए इरेक्शंस तभी ब्लड फ्लो वापस फटाक से आ जाता है, लीकेज हो जाता है, और उसके वजह से भी लिंग सिकुड़ना संभव है और लिंग सिकुड़ना होता है। तो इससे भी कारण मतलब ये हो सकता है। और समझो मेरे पास में ऐसे कुछ लोग आते हैं तो मैं उनको क्या करता हूँ कि मैं टाडालाफिल प्रिस्क्राइब करता हूँ कि जो मात्रा आप उचित मात्रा में लेते हैं, ये तो आपने आपके प्रोफेशनल हेल्प से करना चाहिए, उचित मात्रा में आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा फील होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आपका ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।